हेलो स्टूडेंट्स हाय एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स नेशन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे मज़े कर रहे होंगे एंड एज यू नो कि आप लोग के अभी आई गेस बोर्ड्स ख़त्म हो गए कि चल रहे हैं मेरे को इतना आइडिया नहीं है बट मेरे को ये चीज़ का आइडिया ज़रूर है कि अब आपके सी के लिए बहुत कम दिन बाकी है तो अब हमें जल्दी से अपनी रफ्तार बढ़ानी बढ़ानी है और बढ़ना है अपने uh, चीज़ों को ग्रेस्प करने वाले कॉन्सेप्ट के हाइएस्ट लिमिट पर ठीक है यानी कि अब हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है और अब हमें जितनी ज़्यादा मेहनत करनी है डेली डेली प्रैक्टिस करना है ठीक है मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप सिर्फ इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहो बट डेली जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरल टेस्ट और इंग्लिश तो आप ये चार से पांच सब्जेक्ट की आप डेली डेली प्रैक्टिस करते ही रहा करो ठीक है कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश बहुत कंपलसरी है अगर आपको बी कॉम बी सी ए और बी ए इन सब में एडमिशन लेना है तो एंड कुछ कुछ में इतना कंपलसरी नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग आप लोग वो देख लीजिएगा कि आप लोग की यूनिवर्सिटी चॉइस कैसी है एंड उस सब्जेक्ट पे आप लोग ज्यादा फोकस करिएगा जो वहाँ पे यू नो लाइक कंपलसरी है तो आज का लेक्चर चलिए चालू करते हैं जैसा मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश जो होता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज वो थ्री पोर्शन में डिवाइडेड होता है यू कैन से लैंग्वेज ठीक है जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है फिर सेकेंड इज योर वोकैबुलरी एंड थर्ड इज योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेम टॉपिक में आपका पेपर भी आता है ठीक है सेम ही आपके सीक्वेंस में आपका पेपर आपको देखने मिलेगा पहले आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मिलेगी ठीक है और बाद में फिर आपको ग्रामर और वोकेबुल के मिक्स क्वेश्चन देखने मिलते हैं ऐसा स्पेसिफिक वेटेज नहीं है किसी भी उसका बट जैसा कि आप जानते हैं कि आपको तीन पैसेज देखने मिलता ही है एक पैसेज नेगेटिव होता है एक फैक्चुअल होता है और एक कैसा होता है एक शायद असर्टिव या डिक्लेरेटिव होता है ठीक है डिस्क्रिप्टिव सॉरी हाँ, हाँ. तो आपको ऐसे तीन टाइप के पैराग्राफ्स देखने को मिलते हैं अब ये तीनों ही पैराग्राफ जो है अपने में बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं कुछ कुछ ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं जो हम इजीली यू नो लाइक गेस कर पाते हैं जैसे कि एक जो फैक्चुअल पैराग्राफ होता है उसको हम देखकर ही समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसका आंसर इससे रिलेटेड होगा क्योंकि उसमें कभी कभी स्टैटिस्टिकल डेटा दिया रहता है कुछ रिपोर्ट uh, दी रहती हैं तो वो ईजी रहता है क्रैक करना भाई अगर आप देख लो पोएम वाले पैराग्राफ्स जिसको हम नेरेटिव कह लो या फिर पोएटिक पैराग्राफ्स कह लो ठीक है तो वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज उसमें क्या है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है वोकेबरी अच्छी होनी चाहिए वर्ड्स पे ग्रास्प अच्छा होना चाहिए ठीक है साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे पैसेज देखने मिल जाते हैं जो पूरे ये पूरे स्टोरी बेस्ड होते हैं ठीक है तो स्टोरी बेस्ड वाले पैराग्राफ्स तो और इजीली समझ में आता है और मजा आता है करने में है कि नहीं तो चलिए आज कुछ वैसे ही पैराग्राफ्स हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे कुछ ट्रिक्स थे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने को लेकर तो ट्रिक्स मेरे बस यही हैं कि आप जैसे हर यूजुअली हर कोई सॉल्व करता है पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ो फिर सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लो फिर मैच करने की कोशिश करो कि वो क्वेश्चन एक्चुअली होते कहाँ या पैराग्राफ में कहाँ पर हैं ठीक है फिर उसके बाद हम क्या करते हैं पैराग्राफ को सॉल्व करना चालू करते हैं तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे ठीक है चैप्टर का नाम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पहले मैंने आपको फाइव लेक्चर्स ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं जिन बच्चों ने चेक नहीं किया है तो आज जाके आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा मेरे पहले पांच लेक्चर्स ठीक है आज चालू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ठीक तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका जजमेंट जो है वो इसमें मैटर नहीं करता है ठीक है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके ओपिनियंस आपके जजमेंट्स मैटर नहीं करते हैं ठीक है थीके? ये एक ऐसा टॉपिक है क्यों इसमें जो है वो आ, नरेटर के जजमेंट्स नरेटर के ओपिनियंस ठीक है या फिर ऑथर कह लो उसका मैटर करता है क्यों क्योंकि ये वैसे ही टाइप के भी आपको पूछता है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ ठीक है आपका जजमेंट क्या है ये वैसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चंस आपको कहाँ देखने मिलते हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वहां आपको वैसे क्वेश्चंस देखने मिलते हैं आपके ओपिनियन वाले ठीक है बट आज इसी को चलिए सॉल्व करते हैं कि आ, आरसी को रीड करने का जो स्टाइल होता है ना वो हर किसी का वेरी करता है कुछ कुछ लोग डायरेक्टली की पढ़ लेते हैं कुछ कुछ लोग ऐसे ऊपर ऊपर से ही पढ़ लेते हैं कि वो लोग क्या करें ग्रेस्प कर ले सिर्फ मीनिंग को जिस्ट क्या है या थीम क्या है ये जानने के लिए कुछ कुछ लोग होते हैं जो एक एक लाइन अच्छे से पढ़ते हैं ठीक है और बेसिकली सबका अलग अलग तरीका होता है बट मेरा तरीका क्या है कि मैं पूरा अच्छे से पढ़ती हूँ ठीक है एक भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि किसी भी लाइन में कुछ भी नया हो सकता है जिससे क्वेश्चन बन के आ सकता है ठीक है तो लेट्स गेट स्टार्टेड ठीक है देखो इसमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है जब भी हम एक आरसी सॉल्व करते हैं तो एक टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिकॉज़ विदाउट टाइम मैनेजमेंट वी कैन नॉट सॉल्व आरसी ठीक है अब होता क्या है कि पैसेज आपको बड़ा दिया जाता है ठीक है पैसेज आपको बड़े-बड़े दिए जाते हैं क्वेश्चंस भी वैसे ही होते हैं अच्छे खासे तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कुछ बच्चे फास्ट रीडिंग करने की उनको हैबिट होती है रैपिड रीडिंग जिसको कहते हैं ठीक है तो रैपिड रीडिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है इफ यू आर सॉल्विंग आर ठीक है तो मेरा मेन कंसर्न यहाँ पे यही है कि रैपिड रीडिंग आप लोग करना सीखो ऐसा नहीं कि डेली एक आर सॉल्व करो बट मेरा कहने का ही मतलब है अगर आपके पास इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है अपने भाई बहनों जो क्लास सेवन एट नाइन में है ठीक है उनकी टेक्स्ट बुक्स है तो आप लोग वो लेके बैठो और उनके जो स्टोरीज है वो पढ़ना चालू करो ठीक है तो इससे आपको क्या पड़ेगा रैपिड रीडिंग वाली पावर आपकी बढ़ जाएगी ठीक ठीक है यहाँ पे दिया गया है डू नॉट रिग्रेस वाइल रीडिंग रीड राइट दर्स्ट टाइम राउंड इंस्टेड ऑफ री रीडिंग एंड री रीडिंग एंड री री, ठीक है ऑलवेज मूव फॉरवर्ड वाइल रीडिंग डू नॉट लुक बैक एट ऑल ठीक है hmm. यानी कि आपको ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी रीड करो तब एक वर, एक तो वर्ड बीच में खा जा कर आपको वापस रीड करना पड़े क्योंकि अगर आप वापस रीड करोगे तो पूरा सेंटेंस तो इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि रीडिंग में कॉम्प्रोमाइज ना ही करें इससे अच्छा कि हम बेटर उसको रीड कर लें पहली बार में ठीक कम्पलीटली कम्प्लीटली कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट यू आर रीडिंग रीड फास्ट एज इफ यू हैव एन एक्सप्रेस ट्रेन रनिंग आफ्टर यू ठीक है जो मैंने कहा कि रैपिड रीडिंग करना बहुत जरूरी है ठीक है फिर बोला गया है कि प्लीज पैसेज डिटेल्स रफली इन योर माइंड सो दैट यू कैन सर्च फॉर द आंसर्स क्विकली इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द ट्रेजर हंट ठीक है डू नॉट रीड आउट लाउड वर्ड बाय वर्ड इन योर माइंड दिस इज बिकॉज देर इज नो नीड टू रीड एवरीथिंग यू कैन स्किप अ पॉइंट वेयर देयर इज यू फील दैट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट इनफ ठीक है यू हैव टू ट्राई टू हैव अ मैप ऑफ व्हाट यू रीड मैप होना बहुत जरूरी है ठीक है अपने दिमाग में उस चीज़ की पिक्चर बना लो या फिर याद रख लो कि अच्छा ये वाला वर्ड तो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था ठीक है तो बहुत बच्चे ऐसा करते भी हैं ट्राई ट्राई टू टेक इन मोर देन वन वर्ड देन एट ग्लान्स ठीक है मतलब एक साथ बहुत सारे वर्ड को आप देखने का ट्राई करो ठीक है If you can't figure out the meaning of word, try to guess it a context contextual meaning by reading the whole sentence. Read the editorials in the middle page of your newspaper. They are more or less of the same time as passages, and help enhance your general knowledge as well. Mark the right answer. Do not answer half heartedly. Verify. ठीक है, यानी आपको आ, ऐसा आपको नहीं करना है कि आपको क्या कर... कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है बस आंसर टिक करने के चक्कर में वो लोग कुछ भी टिक कर देते हैं। लॉजिक क्रिएट करना अपने दिमाग में सीखो ठीक है इसमें लॉजिक थोड़ी बहुत काम आ जाती है ठीक है कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि एक दो तीन चार ए बी सी डी ऐसे करके या फिर जय माता दी ऐसे करते हैं तो आंसर उनका जो आता है वही लोग टिक करते हैं दिस इज कम्पलीटली रॉन्ग यू शुड नॉट डू लाइक दैट ठीक है, like है? इससे आपका मार्क्स गेन तो नहीं होगा बट नेगेटिव मार्किंग जरूर हो जाएगी ठीक है तो वो नहीं करना है वो गलतियां नहीं दोहरानी है ठीक जो आंसर करेक्ट है जो आंसर लॉजिकल लग रहा है जो आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ दो आ रहा है तो अटेम्प्ट करना अच्छे से ठीक है यहाँ पे कुछ अप्रोच दिए गए हैं कि कैसे एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को हम सॉल्व कर सकते हैं देयर आर सीवरल मेथड्स ऑफ अटेम्प्टिंग अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जैसे कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दिस इज गुड दिस इज गुड मेथड ठीक है एंड कैन हेल्प यू गेट ऑल द आंसर्स राइट एटलीस्ट हेल्प यू गेस इंटेलिजेंटली

अंडरलाइनिंग हैंड मैथड ये होता क्या है इन दिस मैथड वी मूव आर फिंगर और पेंसिल इन द फॉरवर्ड डिरेक्शन अंडर द लाइन दैट वी आर रीडिंग दिस हेल्प टू कॉन्सेंट्रेट एंड कीप रीडिंग फॉरवर्ड यानी जो हम उंगली लगा के पढ़ते हैं ना ऐसे ऐसे वो उसी की बात कर रहा है इसी को हम कहते हैं अंडरलाइनिंग हैंड मेथर्ड वही दूसरा है कि वर्टिकल पेज मोशन इन दिस मैथड यू गेट फोकस एंड कंसेंट्रेशन बाई प्लेसिंग योर हैंड ऑन द ईदर साइड ऑफ द पैसेज एंड मूविंग इट डाउन एज यू रीड अलोंग

यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया है कि सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है किसी को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो पहले मुझे बताइएगा पहले सब आप लोग बताइए कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है हेलो युवराज गुड आफ्टरनून एंड वेलकम पहले सभी को ये मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है Okay, so let's get started with the exercise. Hmm. San Francisco, America's romantic city by the bay, has always been for artists, writers, lovers who have left at least part of their hearts there. One of the great American romantics who wrote in San Francisco was Jack Kerouac. Kerouac uh, rewrote the history of the uh, entire post-war.

ठीक है। तो तो अगर आप देखो तो, uh, <coughs> यहां पे इसके के बारे में नहीं बताया गया फैमिली ठीक है तो, तो यहाँ पे तो इसका करेक्ट आंसर हमें मिल गया यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर पहला क्वेश्चन सोल्व ठीक है अब आता है दूसरे क्वेश्चन पे अब इसे पूछा है कि जैक केरोक रीलोकेटेड टू सैन फ्रांसिस्को इन ठीक है कब वो वापस सैन फ्रांसिस्को गया रीलोकेटेड टू सैन फ्रांसिस्को इन तो अब देख लो ठीक है इसके रिलेटेड आपको कहीं पे कोई लाइन दिखेगी तो मुझे बताना ठीक उसके बाद देखो लिखा क्या है ही प्लेड बेसबॉल रीड पल्प फिक्शन एंड बिकेम स्कूल फुटबॉल स्टार He entered Columbia University on a football scholarship, but when a leg injury put him out of action on the gridiron, he chose the literary field of work. American literature would never be the same anymore. His romanticized autobiographical novels and wayward travel, which were often the basis of his work, made him the unquestioned king of the beat generation writers. After becoming the father of San Francisco-based Beat Generation, thicke, uh, Kirok was writing the bars and basement apartments of New York City's Lower East and Lower West sides. Here he met and worked with William S. Burroughs and Allen Ginsberg before they all took their restless spirits west side and started a literary and cultural revolution. Thicke. Kirok first landed in San Francisco Bay in 1947. 1947 का जिक्र हुआ है ये रहा 1947 ऑप्शन सी यहाँ पे मिल गया करेक्ट आंसर ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि किरोक मीट नील के सैडी ठीक है तो कब कहा नील के सैडी से वो मिला तो अभी तक मैंने ऐसा कोई नाम यहाँ पे नहीं देखा है अब वापस से पढ़ते हैं हम जब भी ये नील का नाम आएगा तो आप लोग मुझे बताइएगा ठीक है चलिए तो उसने बोला है कि आ, मेरीन ही सून मेटेज स्पिरिट नील के सैडी ठीक है तो देखो कहा मिला है उससे सैन फ्रांसिस्को बे ठीक है तो इन सैन फ्रांसिस्को तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आ गया थर्ड का भी ऑप्शन पता चल गया अब पूछा है कि ऑन द रोड वॉज ऑन द रोड कैसा था नॉट इम्पोर्टेंट टू द यूथ ऑफ अमेरिका वन लॉन्ग पैराग्राफ एलैन गिन्सबर्ग पोएम या फिर किरॉक्स ऑटोबायोग्राफी तो कहीं पे भी हमने ऑन द रोड देखा है ऑन द रोड नाम का कुछ तो ये रहा ऑन द रोड ये मैंने यहां पे देखा है ठीक है ऑन द रोड है क्या आप देख लो यहां पे लिखा तो है बट बत, बताया नहीं गया है कि है क्या ऑन द रोड ठीक है बट और अगर हम इसके बारे में पढ़े ठीक है आ,

Almost overnight Kerouac became a media superstar and even a mythical figure himself. But in the end he could not live with the myth he created. He split from the ranks of his fellow beat writers like Ginsberg and actually voiced support of Americans war effort in Vietnam. Later in his life he moved back with his mother, drank too much and became more and more reactionary. His later years were ironically turned on the life of freedom he wrote about and lived to the great extent. Still, the stories he created live on within the souls of American youth, the lingering American romantics. So, तो ये देखो, unsuccessful marriage के बारे में नहीं बताया गया. तो option D यहाँ पे correct answer हो गया. ठीक है. The best title for this passage would be post-war literature and new beginning. Kurok King of Beat opens and a new road. San Francisco writers या फिर Vietnam protests the early years. तो ये दोनों तो बिल्कुल relate नहीं कर रहा है. ठीक है, पूरे उसमें क्रॉक्स के बारे में ही बताया गया है ठीक है तो यानी क्रॉक क्या था हमारा वही एक सेंट्रल आइडिया था तो वही इसका करेक्ट आंसर होगा तो पहला आप सभी को समझ में आया कि कैसे मैंने एक पैसेज सॉल्व किया सभी को समझ में आया यहाँ पे सारे बच्चे बताएंगे सभी बच्चों को समझ में आया है सेम वे में पैसेज टू भी सॉल्व करेंगे Rock or rock and roll is a form of music that was invented in United States in 1950s. It had become popular in US, Europe and many other parts of the world. African American performs like Little Richards, Fats Domino, Ray Charles and Big Joe Turner were among the first people to come up with the true rock and roll. कंबाइंड ऑफ वेरियस एलिमेंट फ्रॉम कंट्री वेस्टर्न गोलूकून है आपका? तो For example, the songs of early country legend Hank Williams affected musicians ranging, uh, huh, ranging from early rock start buddy holy to nineteen eighties rocker Bruce Springsteen. In the segregated nineteen fifty African American music, musical forms were not considered appropriate for white audience. Much of the US population had not been exposed to them. All that changed when in 1930.

तो अगर आप देखो तो एलन फ्रीड का नाम है यहाँ पे ठीक है फ्रीड का नाम है यहाँ पे फिर और अगर आप देखो तो यहाँ पे एलन फ्रीड है ही नहीं एल्विस फैच्स लिटिल रिचर्ड्स रे ठीक है तो ये तीन चार लोगों का नाम दिया गया लिटिल है चार्ल्स है फैच्स है ठीक है तो यानी एल्विस प्रेसली का नाम नहीं है तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है ठीक है ओके okay. तो बोला है कि व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस पैसेज तो ये पढ़ के आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि इसका मेन टॉपिक क्या है कि आपको रॉक एंड रोल म्यूजिक के इवोल्यूशन के बारे में बताया गया है ठीक है कि पहले जब ये म्यूजिक बना था तो पहले कैसा था फिर अब ये कैसा है ठीक तो आप ऐसा कह सकते हो कि द ओरिजिनस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द म्यूजिक दैट केम टू बी कॉल्ड रॉक एंड रोल ठीक है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो सकता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंग टू दैसेज ट्रू रॉक एंड रोल इज दैरेक्टराइज बाई अम्बिनेशन ऑफ विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग तो द म्यूजिक ऑफ ब्रूसली स्पिंगस्टीन एंड हैंक विलियम्स या फिर कंट्री वेस्टर्न गॉस्पल रिदम एंड ब्लूज जैज फॉर्म ऑफ म्यूजिक हर्ड ऑन द रेडियो स्टेशन म्यूजिक इन्फ्लुएंस फ्रॉम न्यू ईयर तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक आ, वैसा म्यूजिक है तो आई गेस हमने कहाँ पढ़ा था यहीं पे कहीं पढ़ा था हाँ विथ ट्रू रॉक एंड रोल अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स फ्रॉम कंट्री वेस्टर्न गॉसिपल एंड ब्लू जैस ठीक है तो ये रहा ऑप्शन सी डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इन नाइनटीन रॉक एंड रोल वाज इन्वेंटेड ठीक है या फिर वाज नॉट कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर वाइट ऑडियंस फ्यू रिकॉर्ड वॉज प्रॉपर प्रॉपर्टी ऑफ बडी होली तो यहाँ देखो 1915 में अफ्रीकन अमेरिकन की बात की गई है तो व्हाइट ऑडियंस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं था कंसिडर्ड वाइट फॉर हाँ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर व्हाइट ऑडियंस ठीक है अब आगे दिया है मैनी परफॉर्मर्स कॉपीड सॉन्ग फ्रॉम कहा से कॉपी किया गया था सॉन्ग

तो टीनेजर्स तो फैक्टर है तो ये तो नहीं होगा ठीक है एक्सपोजर ऑफ नॉन अमेरिकन ठीक है द the... ठीक है और भी देख लेते हैं फिर फॉर इंस्टेंस पैट बुन स्कोर्ड हिट विद टर्न डाउन वर्जन ऑफ लिटिल रिचर्ड सॉन्ग टूटी फ्रूटी प्रॉम्पटिंग लिटिल रिचर्ड टू कमेंट ही गोज एंड आउटसेल्स मी विद माय सॉन्ग दैट आई रोट इन 1955-56 चेरी Chuck Berry, Bill Haley, and the Comets, and particularly Elvis Presley, became famous for their version of traditional rhythm and blues. Elvis' uh, first television appearance in January marked rock and roll ascendancy in the world of pop music. ठीक है तो uh, ये जो है चार्मेस्टिक personality ये जो है ये करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसकी पर्सनालिटी की वजह से रॉक एंड रोल का ऐसा कुछ वो भी नहीं मिला है ठीक है तो इतना आप सभी को समझ में आया सभी को यहां तक समझ में आया बताइएगा आप लोग सारे बच्चों से मैं पूछ रही हूं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज पैसेज है रीड करना चालू करिए एंड इसका आपको क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन हम लोग बाद में पढ़ेंगे पहले आप लोग पैसेज देखिए कि प्रिमेटिव मैमल्स कॉल्ड मोनोट्रेम्स आर दी ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सब क्लास प्रोटोथेरियम रीडिंग कॉम्प्रीह सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। मेक्स देम द मोस्ट लाइकली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दूशनरी ट्रांसिशन टू फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा दे शेयर सम क्वालिटी बट आरथलेस ट्रू मैमल्स लाइक बर्ड्स इन रेप्टाइल्स

लार्ज ब्रेन होता है डेवलपमेंट में एग लेंग क्वालिटी नहीं होती है क्यों क्योंकि पे क्या लिखा है कि ठीक है रादर देन गिव बर्थ ठीक है तो आ, ये एग ले करते हैं रादर देन गिविंग बर्थ तो यानी कि ऑप्शन वो जो मैंने करवाया कि वो एग्स ले करते हैं वो करेक्ट है ठीक है For the next question: key, Their primitive organization and close relation to reptiles is manifested in their uncomplicated brain structure, egg-laying habits, and cloaca. Cloaca is found in amphibian, reptiles, birds, certain fish, and monotremes, but not in placental mammals or mostly bony fishes. These animals' intesti uh, intestinal, urinary, or genital tracts open into their common cavity, which also functions as an outlet.

आ गया

फ्लैट टेल। तो इसमें से कुछ भी नहीं दिया गया है और देखो कि द शॉर्ट एंड द लॉन्ग नोज ट्यूब लाइक नोजेस तो ये आपको देखने मिला था ट्यूब लाइक नोजेस ऑफ मोनोट्रोम तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ठीक तो ये इतना समझ में आ गया कि इस पैसेज में किसकी बात हो रही है द रिलेशनशिप्स टू बोथ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स की तो ऑप्शन ए का भी आंसर मिल गया साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर डू यंग लिव राइट आफ्टर दे आर हैच्ड ठीक है तो कहां रहते हैं तो कहाँ रहते हैं वो एचिंडा हमने कहाँ पढ़ा था इनके बारे में चिंडास के बारे में हमने पढ़ा था रिलेशनशिप रेप्टाइल्स मैनिफेस्टिंग या फिर पाउच ऑफ द मदर्स एन शेल हेज इज हाँ तो कहाँ हैच होते हैं तो ये ऑप्शन डी विल द करेक्ट आंसर इतना सभी को समझ में आया सभी को क्लियर था सभी को यहाँ तक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है पैसेज नंबर फोर है ठीक है कि एस्ट्रॉइड आर रॉकी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन बट आर टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड प्लैनेट्स द लार्जेस्ट नोन एस्ट्रॉइड सीरीज हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट वन थाउजेंड किलोमीटर्स द स्मॉलेस्ट एस्ट्रॉइड आर द साइज ऑफ पेवल मिलियंस आर द साइज ऑफ बोल्डर्स ठीक है अभी तक हमने यहाँ तक पैराग्राफ पढ़ा इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हम लोग देख लेते हैं तो तो क्या कैसे हैं ठीक है ऑप्शन करेक्ट आंसर है a, पहले का तो मिल गया ठीक है दूसरा क्वेश्चन देख लो कि व्हिच ऑफ इज कॉल्ड अ शूटिंग स्टार अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है तो पढ़ते हैं आगे मोस्ट आर इेगुलरली शेप्ड only a few large enough for a gravity to have made them into spheres. about 250 asteroids in the solar system are 100 kilometers in diameter and at least 16 have a diameter of 240 kilometers or greater. their orbit lies in range uh, that stretches from earth's orbit to beyond Saturn orbit. 10 of, tho uh, ten of thousands of asteroids exist in belt between Mar orbit of the mars and jupiter.

the impact may have led to extinction of many species including the dinosaurs by throwing dust in the atmosphere blocking the sunlight and causing a climate change the period of uh, between such a large meteoroid impacts is impro probably in the millions of years but small meteoroids such as one that caused the meteorite crater in arizona may hit earth every 50000 to uh, 100000 years there is no historical record of person being killed by मीटरॉइड तो अरिजोना के बारे में यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा वाई डर दी मीटरॉइड मेट्रॉज क्रेटर इन अरजोना हाँ तो क्यों इसको मेंशन किया गया तो अगर आप लोग इस सेंटेंस को आपस से पढ़ो उनके एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया है कि कभी-कभी ही ऑकर होते हैं ठीक है तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर टू शो हाउ मेटेराइट्स कैन वाइप आउट एनिमल स्पीशीज ठीक है द अलabama वुमेन इन द पैसेज इज मेंशन टू तो अलabama वुमेन के बारे में हमने नहीं पढ़ा पढ़ लेते हैं द ओनली रिपोर्टेड इंजरी ऑकर ऑन नवंबर 13 व्हेन एन अलabama वुमेन वाज बियू

सारे बच्चों को समझ में आ रहे हैं यहां तक सारे क्वेश्चन आज का एक लास्ट पैसेज और सॉल्व करेंगे विच इज पैसेज नंबर फाइव ठीक है ये आज का एक लास्ट पैसेज सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद हम कल और पैसेज सॉल्व करेंगे ठीक है एंड तब तक मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपने घर पे पैसेज को सॉल्व करते रहें।

a highly acclaimed motion picture of 1979 concerned a nearly disastrous accident at a nuclear power plant within a few weeks of the film's release in a chilling coincidence a real-life accident startlingly similar to the fictitious one occurred at the three mile island plant near Harrisburg, Pennsylvania. Pennsylvania. The two incidents even corresponded in certain details. For instance, both in the film and in the real life, one cause of the mishap was a false meter reading caused by a jammed needle. So, is there a related question. The nuclear accident described in the movie was successfully concealed by power industry leaders and officials. was caused by series of coincidences was surprisingly accurate foreshadowing of actual events took place at Three Mile Island ठीक है तो जो था वो uh, took place by Three Mile Island ठीक है इसमें बताया गया है ना कि ये जो uh, factual चीज़ थी movie और उसके साथ साथ जो real में हुआ वो कहाँ हुआ Three Mile Island पे हुआ था ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोला गया है ऑफिशियल्स ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडस्ट्री क्या हुआ था चलो आगे पढ़ते हैं ठीक है सच लेड सिमिलैरिटी टू वंडर वेदर द फिक्शनल मूवी प्लॉट हैड बीन प्रो प्रोफेक्टिक इन अदर वेज द मूवी डिपिक्टेड ऑफिशियल्स ऑफ द पावर इंडस्ट्री एज सीरियसली करप्ट विलिंग टू लाई ब्राइव एंड इवन किल टू कंसील देर

Have been reluctant to cooperate with the independent, impartial investigation. Had no effect of su subsequent investigation. Was lessened by quick response. Prompted widespread panic throughout Pennsylvania. Persisted as many questions were left. And okay, option D will be the correct answer. He persisted as many questions were left unanswered. Reporters looking into accident at the Three Mile Island uncovered more facts.

कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे